एपिसोड 4। जहाज के पिछले हिस्से से बड़े जोर की शू शू की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी ने चीख कर उस तरफ मुतवज्जो किया तो लोग बदहवास होकर एक तरफ भाग खड़े हुए। एक अधेड़ उम्र औरत जिसने साड़ी पहन रखी थी 5-6 साल की बच्ची को उठाए हांपती हुई एक तरफ को भागी जा रही थी। अचानक उसका पैर साड़ी में उलझा और वो मुंह के बल गिरी। उसके साथ ही बच्ची के मुंह से भी चीख निकल गई। मैंने दौड़कर बच्ची को उठा लिया। जानकी उस औरत को सहारा देकर उठाने लगी और हम फिर दौड़ते हुए वहां से दूर होते चले गए। जहाज से तकरीबन 100 गज दूर हम रुक गए। दूसरे लोग भी वहां जमा होने लगे। वो औरत उस बच्ची के साथ अकेली सफर कर रही थी। वो बंबई से जहाज पर सवार हुई थी और उसे कराची जाना था। अकेली होने की वजह से उस हादसे ने उसे कुछ ज्यादा खौफजदा कर दिया था। हम चूंकि उसके साथ थोड़ी सी हमदर्दी कर चुके थे इसीलिए वो हमारे साथ ही खड़ी रही। बच्ची मेरी गोद से उतरकर उसकी टांगों से लिपटी खड़ी थी। जहाज के दूसरी तरफ भी 150 गज के फासले पर कुछ लोग टोलियों की सूरत में खड़े थे और कुछ अभी तक जहाज से उतर रहे थे। कैप्टन और कॉकपिट क्रू सबसे आखिर में जहाज से उतरा। कुछ लोगों ने जहाज के कैप्टन को घेर लिया और उसे तरह तरह के सवालात करने लगे। जहाज का फ्यूल टैंक तो नहीं फट जाएगा? जहाज तबाह तो नहीं हो जाएगा? हम किस जगह पर हैं? यहां से कैसे जाएंगे? बहुत से सवालात थे जिनका कप्तान के पास कोई जवाब नहीं था। वो लोगों को तसल्ली दे रहा था। बहुत से लोग अपने सामान के लिए फिक्रमंद थे। उनमें कुछ लोग खेपिए भी थे। ये लोग सिंगापुर से जहाज पर सवार हुए थे। सिंगापुर में अपनी चंद रोज अपनी दुकान पर बैठने से यह दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आम इस्तेमाल का कुछ सामान अपने साथ ले जाते हैं और वापस जाकर बेच देते हैं, जिससे उन्हें माकूल मुनाफा मिलता है। चंद रोज आराम से गुजारने के बाद वो दोबारा सिंगापुर आ जाते हैं। हमारे साथ नाहिद नामी उस औरत की बातों से यह दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि उसका ताल्लुक भी इसी तबके से था। नाहिद बेवा थी। 3 साल पहले कराची में ट्रैफिक के एक हादसे में उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। कराची के फेडरल बी एरिया के इलाके में 240 गज के एक मकान के सिवा कोई जायदाद नहीं थी। उस मकान पर भी नाहिद के ससुराल वालों ने कब्जा करने की कोशिश की। यह झगड़ा अदालत तक पहुंचा। 1 साल की मुकदमेबाजी के बाद अदालत ने नाहिद के हक में फैसला दे दिया और मकान का कब्जा उसे दिलवा दिया। शौहर के इंतकाल के बाद जो जमा पूंजी थी वो मुकदमे पर खर्च हो गई। शौहर की किसी प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत की वजह से किसी पेंशन वगैरह का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नाहिद इंटर पास थी। उसे कोई अच्छी मुलाजमत तो नहीं मिल सकती थी, अलबत्ता मोहल्ले के ही प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। तनख्वाह सिर्फ 1500 रुपए थी। फारिग वक्त में वो लोगों के कपड़े सीकर अपनी गुजर औकात कर रही थी। इसी दौरान नाहिद की मुलाकात सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले सुल्तान अहमद नामी शख्स से हो गई। उसने नाहिद को सिंगापुर के फेरे लगाने की पेशकश की। माकूल मुआवजे के लालच में नाहिद ने ही पेशकश कबूल कर ली। सुल्तान अहमद ने ही उसका पासपोर्ट बनवा कर दिया था। नाहिद तकरीबन 1.5 साल से फेरे लगा रही थी और इस मरतबा वो अपनी बेटी बबली को भी साथ ले आई थी। मगर बदकिस्मती से यह हादसा पेश आ गया। नाहिद को अपनी बेटी और उस सामान की फिक्र थी जो 1000 रुपए मालियत का था और जहाज के लगेज होल्ड में रखा हुआ था। तमाम मुसाफिर एक जगह जमा हो चुके थे। उनमें कुछ लोग क्रैश लैंडिंग के दौरान लगने वाले झटकों से जख्मी थे। जहाज के दरवाजों से बदहवासी में छलांग लगाने वालों में एक आदमी की टांग टूट गई थी और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चीख रहा था। एक मुसाफिर हलाक हुआ था। ये वही मुसाफिर था जिसने शॉर्ट्स से दौड़ते हुए उतरने की कोशिश की थी और कलाबाजी खाता हुआ जमीन तक पहुंचा था। उसकी लाश को एक चादर से ढांप दिया गया। 1 घंटा गुजर गया। जहाज में ना तो आग लगी और ना ही फ्यूल टैंक फटा। लोग जहाज के कैप्टन और दूसरे अमले को घेरे हुए थे कि वो यहां से निकलने की कोई राह तलाश करें। कैप्टन, को पायलट और 2 पर्सर्स को इशारा करता हुआ जहाज की तरफ चल पड़ा। मेरे साथ 2 और आदमी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। कैप्टन और उसके साथी तो किसी तरह शॉर्ट पर से होते हुए जहाज में चले गए और हम नीचे ही रहकर जहाज का मुआयना करने लगे। पहिए टूट चुके थे। बॉडी का निचला हिस्सा भी जमीन से रगड़ खाकर 1-2 जगहों से टूट चुका था। मुझे हैरत थी कि फ्यूल टैंक क्यों नहीं फटा था और जहाज तबाह क्यों नहीं हुआ था। जहाज की हालत देखकर यही कहा जा सकता था कि वह हमेशा के लिए यहीं रहेगा इस वीराने में। अगर उसकी मरम्मत भी कर दी गई तो उसे उड़ाने के लिए लंबा चौड़ा रनवे तामीर करना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं था। और रेत पर एयरबस जैसे उस जहाज के लिए दौड़ना और टेक ऑफ करना उससे भी ज्यादा नामुमकिन था। दोनों पर्सर इमरजेंसी मेडिकल किट्स लिए जहाज से उतर आए। हम भी उनके साथ वापस आ गए और जख्मी मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद दी जाने लगी। एयर होस्टेस इस सिलसिले में बड़ी महारत का सबूत दे रही थी। जिस शख्स की टांग टूटी थी उसे कसकर पट्टी बांध दी गई थी। उससे ज्यादा उसकी मदद नहीं की जा सकती थी। लोग मुख्तलिफ टोलियों में रेत पर बैठे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निजात मिलेगी। और एक पर्सर मुसाफिरों को तसल्ली दे रहा था कि कैप्टन जहाज के रेडियो पर करीबी एयरपोर्ट से राबता कायम करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है 1-2 घंटों में इमदादी टीम यहां पहुंच जाए। मैं जानकी और नाहिद के साथ लोगों से हटकर बैठा हुआ था। बबली नाहिद से जुड़ी बैठी थी।
वो बार बार ठनक रही थी और नाहिद कभी उसे प्यार करती और कभी डांटने लगती। हमारे चारों तरफ दूर दूर तक वीराना था। ये भी मकाम शुक्र था कि जहाज सख्त रेत वाले इस खित्ते पर उतर गया था। अगर कुछ आगे लैंडिंग की जाती तो टीलों से टकरा कर वो तबाह भी हो सकता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि हम आबादी से कितनी दूर हैं। क्रैश लैंडिंग से चंद मिनट पहले मैंने एक झील देखी थी। हो सकता है उस झील के आसपास कोई आबादी भी हो और हो सकता है इस बस्ती के लोगों ने जहाज को देखा भी हो, लेकिन झील के एन करीब पहुंचकर जहाज ऊपर उठ गया था और 3-4 मिनट तक परवास करता हुआ वहां से मीलों दूर निकल आया था। झील के आसपास किसी बस्ती के लोगों ने जहाज को देखा होगा तो वो हमारी मदद को नहीं पहुंच सकते थे। सिंगापुर से टेक ऑफ करने के बाद जहाज ने बेंगलोर एयरपोर्ट पर कयाम किया था। उस वक्त मौसम खुशगवार था। बम्बई एयरपोर्ट पर कयाम के दौरान में ही मौसम तब्दील होना शुरू हो गया था। बारिश के आसार थे, लेकिन कंट्रोल टावर से जहाज को टेक ऑफ करने की इजाजत मिल गई थी। उसके थोड़ी ही देर बाद शायद मौसम में शिद्दत आना शुरू हो गई और फिर जहाज एयर पॉकेट में फंस गया। कैप्टन ने शायद SOS का सिग्नल नशर कर दिया था और उसके बाद ही एयरहोस्टेस ने ऐलान किया था कि जहाज को जोधपुर एयरपोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाज तेज हवा की गर्दाब में फंस गया था और पायलट की वो कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उसकी जहानत और महारत ने जहाज को तबाह होने से बचा लिया था और इस रेगिस्तान में क्रैश लैंडिंग में करने में कामयाब हो गया था। उस वक्त 5 बज रहे थे। आसमान पर गहरे बादल थे और तेज हवा के झक्कड़ चल रहे थे। यह गनीमत था कि उस जगह जमीन सख्त थी और ज्यादा रेत नहीं उड़ रही थी। अगर रेत नरम होती तो यहाँ बैठना इस तरह मुश्किल हो जाता। मुसाफिरों को परेशानी तो थी, लेकिन यह इत्मीनान भी था कि पायलट जहाज के रेडियो पर किसी करीबी एयरपोर्ट से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अगर कहीं रब्ता हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों में कोई इमदाद पहुंच जाती। 1 घंटे बाद कैप्टन और को पायलट जहाज से उतरते दिखाई दिए। बहुत से लोग उनकी तरफ चल दिए और उन्हें रास्ते में ही जा लिया। कैप्टन एक छोटे से जुलूस की सूरत में उस जगह पहुंचा तो दूसरे लोगों ने भी उसे घेर लिया। इमदादी पार्टी कब तक पहुंचेगी कप्तान साहब? वो लोग यहाँ कैसे पहुंचेंगे? क्या वो लोग हेलीकॉप्टर पर आएंगे? कैप्टन पर सवालात की बौछाड़ हो रही थी और वो खामोश खड़ा लोगों की शक्लें देख रहा था। क्या बात है कप्तान साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इमदादी टीम यहाँ कब तक पहुंचेगी? कप्तान ने मुड़कर सवाल करने वाले शख्स की तरफ देखा और बोला, जहाज का रेडियो सिस्टम खराब हो गया, हमारा किसी से रब्ता नहीं हो सका। एक लम्हे को यूं लगा जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। सन्नाटा सा छा गया। फिर मक्खियों की सी भिनभिनाहट सुनाई दी। लोग पहले सरगोशियां करते रहे, फिर उनकी आवाजें बुलंद होती चली गई। हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? आप लोग शांत रहिए, क्रैश लैंडिंग से पहले हमने SOS का सिग्नल दे दिया था। यूं भी किसी न किसी बस्ती से हमारे जहाज को देख लिया गया होगा। हो सकता है किसी बड़े शहर तक की खबर पहुंच जाए और हमारी तलाश शुरू हो जाए। हमें इंतजार करना होगा, लेकिन मौसम के तेवर बिगड़े हुए हैं। कैसे खौफनाक मौसम में कोई मदद की तवक्को की जा सकती है? देखिए, आप मायूस मत होइए, उम्मीद है जल्दी कोई ना कोई इमदादी पार्टी इस तरफ आ जाएगी। कैप्टन मुसाफिरों को तसल्लियां देता रहा और लोग तरह तरह के खदशात का इजहार करते रहे। सबसे बड़ा खदशा यह था कि अगर कोई इमदादी पार्टी ना पहुंच पाई तो क्या होगा। मुसाफिरों में जख्मी भी थे और छोटे बच्चे भी। खुराक की सूरत हाल का इल्म नहीं था। आया जहाज पर इतनी खुराक मौजूद थी कि 1-2 वक्त तक तकरीबन 200 मुसाफिरों की जरूरत पूरी हो सके। उस हौलनाक वीराने में रात बसर करने का तस्वुर हौलनाक था। 5:30 बज चुके थे। आसमान पर गहरे बादलों की वजह से अंधेरा सा था। कुछ ही देर बाद शाम हो जाएगी और अंधेरा गहरा हो जाएगा और उसके बाद किसी इमदादी पार्टी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हवा का जोर टूट चुका था। मौसम अगरचे बतदरीज पुरसकून होता जा रहा था, मगर लोगों के दिलों पर एक अनजाना सा खौफ तारी था। वो देखो, कोई आ रहा है, एक आदमी ने चीख कर कहा। मैंने भी चौंक कर उस तरफ देखा। दाएं तरफ बहुत दूर 2 घुड़सवार आते दिखाई दे रहे थे। फिर उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा होता चला गया। मुसाफिरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इमदाद पहुंच रही थी। मेरा ख्याल था कि वो दूर की किसी बस्ती के लोग थे जिन्होंने इस तरफ जहाज को गिरते देखा था और उसकी तलाश में निकल खड़े हुए थे। उन घुड़सवारों की तादाद 15-20 के दरमियान थी। फासला बतदरीज कम होता जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो इतने करीब आ गए कि हम उनकी शक्लें देख सकते थे। उन घुड़सवारों को देखकर मेरा माथा ठनका। उनके हुलिये बहुत अजीब थे। कई आदमियों ने ढांटे बांध रखे थे और उनके चेहरे छुपे हुए थे। राइफल हरिक के पास नजर आ रही थी। हरिक की कमर पर बेल्ट बंधे हुए थे जिनमें कारतूस भरे थे। मेरी तरह कुछ और लोगों के जहनों में भी कुछ खदशात उभरे होंगे जिनका इजहार उनके चेहरों से भी हो रहा था। पश्तान, ये लोग हमारी मदद को तो नहीं आए, ये तो डाकू हैं, जानकी ने कहा। हमारे खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। उन घुड़सवारों ने करीब आते हवाई फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह फैल गए जैसे हमें घेरे में लेना चाहते हों।
औरतें और बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, मर्द भी खौफजदा हो गए। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। हम तो पहले से ही मुसीबत में गिरफ्तार थे, अब डाकुओं के इस गिरोह ने हमें घेर लिया था। जहाज के मुसाफिरों में से किसी के पास असलहा नाम की कोई चीज नहीं थी, जबकि डाकू पूरी तरह मुसल्ला थे। उनसे मुकाबला करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन मेरा ख्याल था कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होगी। ये लोग डाकू जरूर थे, लेकिन इंसान भी थे। हमें मुसीबत में देखकर लूटमार का ख्याल शायद दिल से निकाल दें और हमारी मदद करें, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। सब लोग एक जगह खड़े हो जाओ, किसी ने गड़बड़ की कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे, एक घुड़सवार ने चीख कर कहा। उसकी उम्र 40 के लगभग होगी, लंबा कद, मजबूत जिस्म, सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। सीने पर क्रॉस करते हुए दो बेल्ट थे जिनमें गोलियां भरी हुई थी। उसकी मोटी मोटी आंखों में खून जैसी सुर्खी तैर रही थी। उसकी शक्ल देखकर ही खौफ आता था। उसके दूसरे साथियों के होलिये भी उससे मुख्तलिफ नहीं थे। देखो मिस्टर, कैप्टन आगे बढ़ गया, तुम देख रहे हो हम लोग पहले से मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हमारे साथ औरतें, बच्चे और कुछ जख्मी मुसाफिर भी हैं। हमारे जहाज का रेडियो खराब हो चुका है, किसी तरफ से इमदाद की तवक्को नहीं है। तुम लोग हमारी मदद करो, अगर कोई बस्ती करीब हो तो। हम यहीं पर बस्ती बना देंगे, लाशों की बस्ती, उस शख्स ने कहा। वो गिरोह का सरदार था। हम डाकू हैं भाया, डाकू का काम लूटना होता है, किसी की मदद करना नहीं। तुम सब लोगों ने अपनी अपनी जेबों से सारी चीजें निकालकर इस तरफ रख दो, और आना, यहाँ नीचे चादर बिछा दे और इन सबकी जेबें खाली करा दे, उसने अपने साथी से कहा। वो आदमी घोड़े से उतरा और जमीन पर एक चादर बिछा दी। मुसाफिरों में से एक दो ने इंसानियत का वास्ता देकर सरदार को समझाने की कोशिश की, मगर वो डाकू था। उसने पहले ही कह दिया था कि वो सिर्फ डाकू है और डाकुओं का काम सिर्फ लूटना होता है। जहाज के मुसाफिर बेहिसो हरकत अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। राणा नामी डाकू ने कैप्टन को गिरेबान से पकड़कर आगे खींचा, पहले उसकी कलाई से घड़ी उतारी और फिर जेबें खाली करने का हुक्म दिया। उनके हुक्म की तामील करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सिंगापुर से आने वाली औरतें तलाई जेवरों से लदी फदी थी। मर्दों की उंगलियों में भी मोटी मोटी अंगूठियां और गले में मोटी मोटी सोने की चैनें पड़ी थी। सिंगापुर से खरीदे जाने वाला ये सोना पाकिस्तान जाकर महंगे दामों फरोख्त कर दिया जाता, मगर अब ये सब कुछ जमीन पर पड़ी हुई चादर पर जमा हो रहा था। एक आदमी ने मजाहमत की तो राणा नामी डाकू ने बड़ी बेदर्दी से उसके सीने में गोली उतार दी। उस शख्स की लाश रेत पर तड़पने लगी और फिर ठंडी हो गई। एक आदमी का यह हशर देखकर दूसरों को मजाहमत करने की जरूरत नहीं हुई। सरदार ने अपने 4-5 साथी जहाज की तरफ भेज दिए। कुछ देर बाद वो भी मुसाफिरों का सामान नीचे फेंकने लगे जो हैंड बैगेज के तौर पर मुसाफिरों ने दौरान सफर अपने पास रखा था। उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सा सामान मौजूद था। लूटमार जारी थी, किसी की आहुजारी पर उन डाकुओं पर असर नहीं हो रहा था। मुसाफिरों की जेबों से सब कुछ निकलवा लिया गया, उनकी घड़ियां और अंगूठियां भी उतरवा ली गईं, औरतों के जेवरात उतरवा लिए गए, एक बच्ची के कानों से सोने की बालियां नोच ली गईं। मजाहमत करने का मौका नहीं था। दूसरे डाकू भी जहाज में बहुत सा सामान नीचे फेंक कर बाहर आ गए थे। उन्होंने कीमती सामान चादरों में जमा कर लिया था। शाम का अंधेरा फैलने लगा था, डाकुओं की सरगर्मियां जारी थी। एक औरत अपना लॉकेट छुपाने में कामयाब हो गई, मगर इत्तेफाक से वो लॉकेट एक डाकू की नजरों में आ गया। उसने आगे बढ़कर औरत के गले पर हाथ डाल दिया और लॉकेट नोच लिया। पीछे हटते हुए वो अचानक रुक गया। उसकी नजरें औरत के सरापे का जायजा लेते हुए उसके चेहरे पर मरकूज हो गईं। सरदार, क्या ये खजाना यहीं छोड़ जाओगे? देखो तो कैसे कैसे कीमती हीरे पड़े हैं यहाँ पर। वो औरत को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ सरदार की तरफ ले जाने लगा। औरत बुरी तरह चीखते चिल्लाते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी ने आगे बढ़कर उसे छुड़ाने की कोशिश की तो एक और डाकू ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। अधेड़ उम्र वो शख्स चीख कर गिरा और फिर उसकी आवाज नहीं निकली। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई थी। मुसाफिरों के मुंह से चीखें निकल गईं। ये जहाज के मुसाफिरों में दूसरा बेगुना था जो इन बेरहम डाकुओं की सफाकी का शिकार हुआ था। तकरीबन 200 अफराद का मजमा इस तरह खामोश हो गया जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। और फिर फायरिंग की आवाज से सन्नाटा टूट गया। सरदार ने राइफल ऊपर उठाकर एक ब्रश चला दिया था। गोलियों की आवाज देर तक वीराने में गूंजती रही और फिर बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। औरतें खौफजदा होकर मर्दों के पीछे छुपने लगी, मगर उनकी ये कोशिश बेकार साबित हुई। सरदार का इशारा पाकर 4 डाकू आगे बढ़े और 4 औरतों को घसीटते हुए मजमे से बाहर निकाल ले गए। वो चारों बेहद हसीन थी। उनमें एक की उम्र 18-19 साल रही होगी। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, दूसरी 22-23 साल से ज्यादा की नहीं थी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। बाकी दोनों औरतों की उम्रें 30-32 के लगभग रही होंगी। वो भी बेहद हसीन थी। जानकी और नाहिद के चेहरे भी खौफ से पीले पड़ रहे थे। वो समझ गई थी कि जिन औरतों को डाकुओं ने अपने कब्जे में लिया था उनका क्या हशर होने वाला था।
मैं भी समझ गया था कि डाकू इन औरतों को अपने साथ ले जाएंगे और उस वक्त तक उनकी बोटियां नोचते रहेंगे जब तक उनमें दम बाकी रहेगा, और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नाहिद हमसे जरा हटकर दो आदमियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। बबली भी उसकी तरफ लगी। इस तरह नाहिद एक डाकू की नजरों में आ गई। उसने लपक कर नाहिद को पकड़ा और एक तरफ घसीटने लगा। बबली चीखती हुई नाहिद से लिपट गई। डाकू ने उसे दूसरे हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया। बबली उठकर दोबारा माँ की तरफ लपकी तो डाकू ने एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो चीखती हुई दूर जा गिरी। एक आदमी ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठा लिया और चीख चीख कर उस डाकू को बुरा भला कहने लगा। वो डाकू भयानक अंदाज में कहकहे लगाता नाहिद को घसीटता रहा। नाहिद अपने आप को छुड़ाने के लिए मजाहमत करती रही। उसने मौका पाकर उस डाकू के बाजू पर दांत गाड़ दिए। डाकू बिलबिला उठा मगर नाहिद ने उसे नहीं छोड़ा। डाकू ने दूसरे हाथ से एक जोरदार घूंसा नाहिद की कनपट्टी पर रसीद किया। नाहिद चीख उठी। डाकू के बाजू से गोश्त का एक लोथड़ा लटक गया। नाहिद के मुंह से भी खून टपक रहा था। डाकू ने अपने जख्मी बाजू को देखा और फिर गोया उस पर जुनून सा तारी हो गया। वो नाहिद पर झपट पड़ा। उसने नाहिद को गिरफ्त में लेकर दांत उसके जिस्म पर गाड़ दिए। नाहिद की खौफनाक चीखें और दूसरे डाकुओं के वहशतनाक कहकहे फिजा में गूंज उठे। मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ा ये सब देखता रहा। मुझसे औरतों की तस्दील बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखे था। दो आदमियों का हशर में देख चुका था। अगर मुकाबला 10-10 होता तो मैं अब तक 2-4 को ढेर कर चुका होता, मगर वो सब अच्छे असलहे से लैस थे। उनके साथ पंगा लेना खुदकुशी के मुतरादिफ था। एक डाकू ने वो चादर समेटकर एक गठरी सी बना ली जिसमें मुसाफरों से लूट का माल जमा किया गया था। वो गठरी सरदार के हवाले कर दी गई। जहाज की तरफ से भी दूसरे डाकू वापस आ गए थे। उन्होंने भी कई गठरी अपने घोड़ों पर लाद रखी थी। उन औरतों को भी डाकुओं ने अपने अपने घोड़ों पर बिठा लिया जिन्हें माले गनीमत समझकर उन्होंने अपने कब्जे में किया था। वो औरतें अगरचे बुरी तरह मचल रही थी लेकिन डाकू ने उन्हें काबू में कर रखा था। बबली उस शख्स की गोद में बुरी तरह मचल रही थी। उसकी चीखें दर्दनाक थी। सरदार ने एक बार फिर हवाई ब्रस्ट मारा और हुजूम की तरफ देखा। उधर एक बस्ती है कई कोस दूर, हम वहां के लोगों को बताए देवेंगे, वो सवेरे तक तुम्हारी मदद को पहुंच जावेंगे। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, आराम से रात गुजार लोगे। आराम से रात गुजार लेने वाली बात उसने इस तरह कही जैसे हमें किसी बहुत शानदार किस्म के रेस्ट हाउस में छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ कम से कम 2 दर्जन अफराद जख्मी थे, लाशों की तादाद 3 हो चुकी थी और वो हमें आराम से रात गुजार लेने का मशवरा दे रहा था। तमाम डाकू रवानगी के लिए तैयार थे। उनका रुख जहाज की तरफ था। वो शायद जहाज के करीब से गुजरकर किसी और तरफ जाना चाहते थे। वो 5 औरतों को अगवा करके साथ लिए जा रहे थे जो घोड़ों पर लदी हुई थी। अचानक मेरे पेट में बहुत शिद्दत का मरोड़ उठा। मैं दोनों हाथों से पेट पकड़कर दोहरा होता चला गया। यूं लग रहा था जैसे आंतों में गिरे पड़ रही हूँ। तकलीफ की शिद्दत से मेरे जबड़े भीज गए। ये कैफियत चंद सेकंड बरकरार रही, फिर दर्द की एक लहर पेट से सीने की तरफ मुंतकिल होने लगी। नाव पर जो बोझ पड़ा था वो बतदरीज कम होता चला गया। दर्द की वो लहर सीने में पहुंचकर बर्फ की ठंडक की तरह पूरे सीने में फैलती चली गई। उसके साथ ही मैं पुरसकून हो गया। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, मैंने जानकी को जवाब दिया। अब मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म की सारी कुव्वत मेरी आंखों में सिमट आई हो। डाकू जहाज के करीब रुक गए थे। एक डाकू दूसरे डाकू के घोड़े पर लदी हुई नाहिद को अपने घोड़े पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों डाकुओं में नाहिद के लिए खेचातानी होने लगी। नाहिद की चीखें फिजा में गूंज रही थी। फिर वो घोड़े से गिर गई। दोनों डाकू भी घोड़े से उतर आए और नाहिद पर कब्जा करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। मेरी नजरें एक और डाकू की तरफ मुंतकिल हो गई। वो डाकू अपने साथी पर पल पड़ा जिसने अपने घोड़े पर जीन्स और टी शर्ट वाली लड़की को दबोच रखा था। वो लड़की भी नीचे गिर गई और दोनों डाकू भी घोड़े से उतरकर एक दूसरे से गत्थम गत्ता हो गए। मेरे अंदर वो पुरस्कार कुव्वत बेदार हो गई थी जिसे हासिल करने के लिए मैंने बरसों रियाजत की थी। उसके लिए शाओलिन टेम्पल तक का सफर किया था, बड़े मसायब और कठिनाइयां उठाई थी और अब मेरे अंदर वो पुरस्कार कुव्वत मेरी आंखों में सिमट आई थी। मेरी नजरें डाकुओं के उस ग्रोह पर मुतहरिक थी और अब तमाम डाकू घोड़ों से उतरकर एक दूसरे से गत्थम गत्ता हो रहे थे। सरदार पहले तो चीखता रहा, फिर वो भी एक अपने साथी पर बल पड़ा। मुसाफिर हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। उनके लिए ये एक दिलचस्प तमाशा था। वो आपस में डाकुओं को लड़ते देख रहे थे। डाकू उन 5 औरतों के हुसूल के लिए आपस में लड़ रहे थे और 5 औरतें मौका पाकर चीखते चिल्लाती वहां से भाग निकली। डाकुओं की 10-10 लड़ाई जारी थी। फिर एक फायर हुआ, किसी डाकू ने गोली चला दी थी और फिर 10-10 लड़ाई एक बाकायदा महाज में तब्दील हो गई। डाकू एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे।
नाहिद और दूसरी औरतें गिरती पड़ती करीब पहुंच गई थी। जानकी ने आगे बढ़कर नाहिद को संभाल लिया और बबली दौड़कर नाहिद से लिपट गई। डाकुओं में जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। चंद गोलियां जहाज की बॉडी में भी लगी। फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज रही थी। और फिर जैसे मैं होश में आ गया और इधर उधर देखने लगा, मुझे यूं लगा जैसे मैं नींद से बेदार हुआ हूँ। सीने पर बोझलपन और सर भारी महसूस होने लगा। मैंने सर को एक दो झटके देकर उधर उधर देखा। फायरिंग की शिद्दत में इजाफा हो गया था। जहाज के मुसाफिर मारे खौफ के इधर उधर भाग रहे थे। बच्चों और औरतों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। जहाज के आसपास गोलियों की बरसात देखकर मैं जैसे होश में आ गया। मैंने झुककर बबली को उठाया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। जानकी भी नाहिद का हाथ पकड़े दौड़ रही थी। मुसाफिर एक टीले के पीछे रुक गए। हम भी उसी तरफ दौड़ पड़े थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यूं लगा जैसे एटम बम फट गया हो। जानकी और नाहिद लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। डाकुओं में से किसी की गोली जहाज के फ्यूल टैंक में लगी थी और फ्यूल टैंक एक धमाके से फट गया था। जहाज के परखच चोड़ गए। तारीख फिजा रोशन हो गई। आग के शोले और धुएं के बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे। हवा में उड़ते हुए जहाज के टुकड़े इधर उधर गिरने लगे। एक जलता हुआ टुकड़ा हमसे तकरीबन 20 गज के फासले पर गिरा। भागो यहां से, मैं चीखा। नाहिद उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक हाथ से बबली को गोद में संभाले रखा और दूसरे हाथ से नाहिद को सहारा देकर उठा दिया। जानकी, नाहिद को संभालो और इस टीले के पीछे पहुंचने की कोशिश करो, जल्दी करो। हम दौड़ते हुए टीले के पीछे पहुंच गए। जहाज के बहुत से मुसाफिर उसी टीले के पीछे पना लिए हुए थे। कुछ लोग किसी और तरफ भाग गए थे। रुको मत, इसी तरफ चलती रहो, मैंने जानकी और नाहिद की तरफ देखते हुए कहा। हम तीनों टीले के दूसरी तरफ पहुंचकर भी रुके बगैर चलते रहे। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। जहाज अगरचे अब नजर नहीं आ रहा था मगर उठते हुए शोले दिखाई दे रहे थे। हम तेज तेज चलते लोगों से दूर पहुंच गए। आगे छोटे छोटे टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। हम कभी उन टीलों के गिर्द घूमते वो चलने लगते और कभी किसी टीले पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाते। मैं एक टीले पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। हम वहां से तकरीबन 2 मील दूर निकल आए थे। जहाज से उठने वाले शोले अब दिखाई नहीं दे रहे थे। जानकी की सांस फूली हुई थी और उसके करीब रेत पर बैठी नाहिद हौले हौले करहा रही थी। मैंने बबली को गोद से उतार दिया। वो दौड़कर नाहिद से लिपट गई। 15-20 मिनट वहां रुकने के बाद हम टीले के दूसरी तरफ उतरने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि जहाज के मुसाफिर वहीं रुके हैं या वो भी हमारी तरह इधर उधर फैल गए हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। सहरा में तो किसी रास्ते का तायुन मुमकिन नहीं था और फिर तारीकी में तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जानकी, नाहिद और बबली को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हम चलते रहें। हो सकता है उस रेगिस्तान में कोई ऐसी बस्ती हो जहां हमें पनाह मिल सके। अचानक मेरे जहन में ख्याल उभरा। इन डाकुओं ने भी यकीनन जहाज को गिरते देखा होगा और इसीलिए वे घोड़ों पर सवार होकर इस तरफ आए थे। उनका मकसद जहाज के मुसाफिरों की मदद करना नहीं, उन्हें लूटना था। और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए थे। मुझे याद आ रहा था कि वो डाकू उसी तरफ से आए थे जिस तरफ हम जा रहे थे। हो सकता है डाकुओं का ठिकाना ज्यादा दूर ना हो, चंद मील। और चंद मील का ये फासला चंद घंटों में तय हो सकता था बशर्ते कि हम सही सिम्त में चलते रहे। आसमान पर गहरे बादल थे जिनकी वजह से तारीकी कुछ और भी तबीज हो गई थी। हवा गर्चा बहुत पहले थम चुकी थी लेकिन मुझे यह डर था कि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। लेकिन एक और इंकशाफ ने मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ा दी। मुझे इसका तजुर्बा नहीं था लेकिन सुना और पढ़ा था कि रेगिस्तान के दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। सराई इलाकों में दिन के वक्त दिमाग पिघला देने वाली गर्मी पड़ती है तो रात को जिस्म में खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी होती है। मुझे उसका अंदाजा होना शुरू हो गया था। आसमान पर बादलों की वजह से हल्की सी खुनकी थी जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा था। हमारे लिबास भी ऐसे नहीं थे कि सर्दी की शिद्दत का मुकाबला कर सकते। हम बहुत दूर निकल आए। मैंने एक दो मरतबा पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कहीं मध्यम सी रोशनी भी नजर नहीं आई। जहाज की आग या तो बुझ गई थी या हम नशेबी इलाके में आ गए थे। आगे रेत नरम थी जिसकी वजह से तेज चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। जहां तक जमीन सख्त थी हमारे चलने की रफ्तार तेज थी लेकिन नरम रेत की वजह से हमारी रफ्तार कम हो गई थी। मेरे पास घड़ी नहीं थी इसलिए वक्त का अंदाजा नहीं हो सकता था लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें चलते हुए कम से कम 4 घंटे हो चुके थे। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद ही जहाज तबाह हुआ था और उसके फौरन बाद ही हम भाग निकले थे। इस तरह एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 10 और 11 बजे के दरमियान का कोई वक्त होगा। नाहिद चलते चलते लड़खड़ा गई। जानकी ने पहले तो उसे उठाने की कोशिश की फिर खुद भी ढेर हो गई। जाहिर है मुझे भी रुकना पड़ा। उस वक्त मैंने बबली को किसी देहाती की तरह कंधे पर उठा रखा था। मैंने उसे नीचे उतारा तो वो अपनी माँ के साथ जुड़कर बैठ गई। अब मुझसे नहीं चला जाता,
तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ये शहर की कोई सड़क नहीं, रेगिस्तान है नाहिद। यहाँ तो दिन की रोशनी में किसी सिम का तयन करना मुश्किल होता है, तुम रात की तारीकी में कैसे तलाश करोगी हमें? अब मुझसे नहीं चला जाता, सीने में दर्द हो रहा है और सर्दी भी लग रही है। तुम लोग जाओ। अहमकाना बातें मत करो, हम तुम्हें रात की तारीकी में इस वीराने में छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ बैठे रहने से और सर्दी ज्यादा लगेगी, चलती रहोगी तो खून में हरारत पैदा होगी। मगर नाहिद ने अपनी जगह से हरकत नहीं की, वो हांपती और करहाती रही। जानकी भी बुरी तरह हांप रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों अपनी कैफियत पर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब हो सकी। मैंने बबली को एक बार फिर कंधे पर उठाया और इस तरह हमारा सफर शुरू हो गया। मगर अब हमारे चलने की रफ्तार कुछ और सुस्त हो गई थी, वो दोनों बार बार रुक जाती थी। नाहिद एक बार फिर गिर गई, मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो चौंक गया, वो सर्दी से कांप रही थी। मैंने अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पहना दी। मेरे जिस्म पर बनियान रह गई थी, सर्दी अगरचा मुझे भी लग रही थी मगर मैं बर्दाश्त कर सकता था। जानकी की हालत भी गैर हो रही थी, मुसलसल चलते रहने से टांगे तो शल हो रही थी लेकिन उस पर अब सर्दी भी कभी असर होने लगा था। बबली भी हौले हौले कांप रही थी, मैंने उसे अपने सीने से लिपटा रखा था। अब फिर सख्त जमीन शुरू हो गई थी, मैं उन दोनों को चलते रहने पर मजबूर करता रहा लेकिन मैं जानता था कि उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो रात का आखिरी पहर था, मेरे सीने से लिपटी बबली भी थर थर कांप रही थी। नाहिद से वाकई चला नहीं जा रहा था, वो बार बार लड़खड़ाकर गिर रही थी। जानकी से संभालने की कोशिश करते हुए खुद भी डगमगा रही थी। एक मौके पर चलते में मेरे पैर को ठोकर लगी, मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और लड़खड़ाता वह नीचे गिर गया। बबली भी मेरे साथ ही गिरी। ये गनीमत था कि हमारे सामने झाड़ियाँ थीं और बबली झाड़ियों में गिरी थी, इस तरह वो चोट लगने से महफूज रही। मुझे पहली बार झाड़ियों की मौजूदगी का एहसास हुआ था, उसके साथ ही मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग गई। झाड़ियाँ या सब्जा उस जगह होता है जहाँ जमीन में पानी हो, और इन झाड़ियों की मौजूदगी ये साबित करती थी कि कुर्ब जवार में कोई झील या दरिया मौजूद है। मैंने बबली को उठा लिया और जानकी और नाहिद की हौसला अफजाई करता हुआ आगे चलने लगा। वो दोनों बड़ी मुश्किल से मेरा साथ दे रही थी, अगर मैं अकेला होता तो अब तक कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ, तकरीबन 1 घंटा मजीद चलते रहने के बाद हम एक झील के किनारे पहुंच गए और खुशकिस्मती से यहाँ चंद खंडर भी नजर आ गए। यकीनन यहाँ किसी जमाने में कोई बस्ती रही होगी जो इम्तदाद जमाना से खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। जानकी और नाहिद एक जगह पर ढेर हो गई, मैंने बबली को भी उनके करीब बिठाया और खुद को ऐसी जगह तलाश करने लगा जहाँ सर्दी से महफूज रहा जा सके। ये बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी, कोई मकान सलामत नहीं था, टूटी फूटी दीवारें रह गई थी, अलबत्ता उन मकानों से जरा हटकर एक टूटा फूटा मंदिर भी था। ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई थी और उसमें पना ली जा सकती थी। मैं उन लोगों को मंदिर में ले आया, गहरी तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। हम शिकस्ता दरवाजे में दाखिल होकर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। बबली को जानकी ने गोद में ले लिया था, अब मुझे भी थकन का एहसास होने लगा। पड़ाव पर पहुंचते ही मेरा हौसला दम तोड़ गया था और कजा मजमहल होने लगे थे। मैंने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मेरे दाएं तरफ जानकी थी और बाएं तरफ नाहिद, वो दोनों गहरे गहरे सांस ले रही थी। अंदर की फिजा बाहर के मुकाबले में बहुत बेहतर थी, बल्कि नहायत खुशगवार थी। सर्दी का एहसास भी बतदरीज कम हो रहा था। मुझ पर खुनूदगी सी तारी होने लगी। नाहिद मुसलसल करहा रही थी, उसके करहाने की हल्की हल्की आवाजें मेरी समाज से टकराती रही लेकिन फिर वो आवाजें भी मौदूम होती चली गई। मैं नींद के आगोश में पहुंच चुका था। आंख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर खाक पर दराज पाया। नाहिद मेरे बाजू पर सर रख के सो रही थी, दिन की रोशनी हो रही थी। मैं कुछ देर तक आंखें मिचमिचाकर सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करता रहा। मेरे दूसरी तरफ बबली भी गर्द आरूद फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। जानकी मुझे नजर नहीं आई। मैंने नाहिद को अपने आप से अलग हटाया और एक झटके से उठकर बैठ गया। मंदिर का हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था, एक तरफ टूटा फूटा सा चबूतरा था, हर तरफ मकड़ी के जाले तने हुए नजर आ रहे थे। जानकी हॉल में मौजूद नहीं थी। मैं उठकर बाहर आ गया, आसमान पर बादल छट गए थे और सूरज चमक रहा था। तेज धूप में एक लम्हे को मेरी आंखें चुंधिया सी गईं और जब मेरी आंखें तेज रोशनी से मानूस हुई तो मैं इधर उधर देखने लगा। बाएं तरफ बस्ती के खंडर थे और सामने तकरीबन 100 गज के फासले पर वो झील थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। झील के किनारों पर नारियल या उससे मिलते जुलते दरख्त भी थे मगर बिल्कुल टुंडमुंड सूखे हुए। जानकी बाहर भी कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी परेशानी बढ़ने लगी। जानकी, मैंने जोर से पुकारा मगर कोई जवाब ना मिला। अलबत्ता दूसरी आवाज के बाद जानकी खंडरों की तरफ से आती दिखाई दी तो मुझे इत्मीनान हुआ। एक बहुत बड़े स्याह बादल ने सूरज को ढांप लिया था। मैं जानकी के साथ चलता हुआ झील के किनारे पर आ गया और फिर
थोड़ी ही देर बाद ये बात मेरी समझ में आ गई कि ये बस्ती वीरान क्यों हुई थी। झील का पानी कड़वा था। हो सकता है किसी जमाने में झील का पानी मीठा रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ बस्ती भी आबाद थी, लेकिन शायद किसी वजह से पानी का जायका तब्दील हो गया हो। हो सकता है जेर जमीन नमकीन पानी की कोई रग झील के पानी से मिल गई हो और इस तरह झील का सारा पानी नमकीन हो गया। ये पानी कड़वेपन की हद तक नमकीन था और यही वजह थी कि यहाँ की आबादी किसी और जगह मुंतकिल हो गई थी और ये बस्ती वीरान हो गई थी। मैं और जानकी झील के किनारे खड़े बातें कर रहे थे कि मंदिर की तरफ से नाहिद की चीख की आवाज सुनकर हम उछल पड़े। वो चीख बहुत खौफनाक थी। मैंने मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। जानकी भी मेरे पीछे आ रही थी। नाहिद के साथ साथ बबली की चीखें भी सुनाई दे रही थी। मैं मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने पैर पकड़ लिए हो। नाहिद और बबली एक तरफ खड़ी बुरी तरह चीख रही थी और सामने गर्द-आरूद फर्श पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसकी पेशानी से खून बह रहा था। यहाँ पर एपिसोड 4 का अख्तितम होता है। आगे किताब सुनने के लिए एपिसोड 5 समाप्त करूँ।